हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। यार, बड़ा टाइम हो गया था, जेईई मेंस का पेपर भी हो गया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, काफी बच्चों का बड़ा अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है। बट काफी बच्चे पैरेलली परेशान भी थे, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर जेईई मेंस में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अभी क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार एक सेशन करते हैं और थोड़ा सा दिखाएं आपको कि अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस मतलब क्या और ऑप्शन है। ISI CMI है ना, CMI की अभी रिसेंटली डेट आई है, करी डेट आई है शायद। तो ISI CMI ये दो एग्जाम्स हैं जो जिन बच्चों का स्पेशली जेईई मेंस इस बार अच्छा नहीं हुआ और जिनका मैथ्स रिलेटिवली अच्छा है कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो इस एग्जाम को कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैं आज के सेशन में आपको चार ऐसे नमूने दिखाने वाला हूँ, बेसिकली चार ISI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो होपफुली आपको ईजी लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। एंड उनको देखकर मोस्ट लाइकली आपको लगेगा कि यार हाँ ISI की प्रिपरेशन करनी चाहिए बिकॉज सिर्फ मैथ्स करते हैं। तो जिन बच्चों का जेईई मेंस इस साल अच्छा नहीं हुआ और जिनका मैथ्स स्टिल एवरेज है कंपेयर टू मतलब थोड़ा बेटर है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और वो एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन दिस सेशन इज फॉर यू। तो आज के सेशन में हमने कॉम्बिनेटोरिक्स के चार ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। एंड इनफेक्ट मूविंग फॉरवर्ड मैं कुछ और ऐसे सेशन करने वाला हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ISI के हम दिखाएंगे फ्रॉम टॉपिक वाइज, राइट। कैलकुलस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, राइट, ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का सेशन अपने कॉम्बिनेटरिक्स से स्टार्ट किए, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब दिखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सेट है A(x1, x2, x से लेकर 50 तक, बेसिकली एक 50 एलिमेंट्स का सेट है ना, और एक सेट B है 20 एलिमेंट्स का। तो अगर हम हल्का फुल्का सा एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करें, सेट ए में 50 एलिमेंट्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन टिल x50, एंड सेट बी में देयर आर 20 एलिमेंट्स, राइट, y1 y2 एंड सो ऑन टिल y20। फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फर्दर कह रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी फंक्शन बनाने हैं सच दैट f इज ऑन टू। ऑन टू मतलब सेट बी में खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो पहले तो ये कंडीशन होगी। तो मतलब अब देखो सिंपल सा फंडा, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ है, कहने को कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, फंक्शन के ऊपर है। तो आपको फंक्शन की बेसिक नॉलेज होने चाहिए, इवन इफ इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी पता तब भी चलेगा, बट आपको मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑन टू क्या होता था, ऑन टू होता था सेट बी में खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है देन द फंक्शन इज ऑन टू। बट इसमें फर्दर एक और कंडीशन लगा दी कि जो x1 पे वैल्यू है वो x2 से छोटी होनी चाहिए और लेस देन और इक्वल टू, एंड x2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x f(x3) एंड सो ऑन। तो f(x50) दैट शुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हम देखो अब मान लेते हैं सेट बी जो है, सेट बी में जो एलिमेंट्स है y1 y2 y20 ये है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, या फॉर दैट मैटर कोई ना कोई ऑर्डर तो होना चाहिए था एलिमेंट्स का, है ना। तो कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं y1 इज लेस देन और इक्वल टू y2 इज लेस देन और इक्वल टू y3 व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू फर्दर एंड सो ऑन y20। ये हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान सकते हैं, मतलब हैविंग सेड दैट अगर ये ऑर्डर नहीं होगा तो कोई और ऑर्डर होगा, मतलब मे बी सबसे छोटा y3 होगा, बट कन्वीनियंस के लिए मान लिया y1 इज सबसे छोटा एंड सो ऑन। ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, मान लिया हमने कोई भी एक ऐसा ऑर्डर है ना, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है तो सारे एलिमेंट्स सेट बी के एसोसिएटेड होने चाहिए, राइट। तो y1 कुछ एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, कुछ एलिमेंट से y2 एसोसिएटेड होगा, कुछ एलिमेंट से y3 एसोसिएटेड होगा। हम मान लेते हैं n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिससे y1 एसोसिएटेड है, ठीक है, एंड n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिससे y2 एसोसिएटेड है, कितने भी एलिमेंट से हो सकता था। n3 मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिससे y3 एसोसिएटेड है एंड सो ऑन। ठीक है, n20 मैंने क्या माना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिससे y20 एसोसिएटेड होगा। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकता हूँ इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम एक्चुअली 50 होगा। क्यों 50, क्योंकि हमें फंक्शंस बनाने हैं, फंक्शंस बनाने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए यूनिकली विद एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ऑन टू फंक्शन बनाना था तो सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना। ठीक है, तो अब भाई सिंपल से फंडा, अब ये बहुत कॉमन इक्वेशन है, काफी बच्चों ने इसे स्टार्फ एंड बार मेथड से किया होगा, काफी बच्चों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन में किया होगा, मे भी काफी बच्चों ने बैगर पॉइंट मेथड से किया होगा, है ना। तो एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के अलग अलग तरीके, अब जैसे ही इक्वेशन आती है
तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन बनाना अपने आप में बस एक छोटा सा काम था, है ना। अब इसमें ऑब्वियसली y1 कुछ एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स n1, n2, n3, है ना, ये जितने भी हमने ये नंबर्स माने हैं, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और बेसिकली दे शुड बी नेचुरल नंबर्स। तो इसमें कैसे करते होते हैं, 20 वेरिएबल्स हैं, 20 वैल्यूज दे दो, है ना, तो इधर 30 बच जाएगा, तो 30 + 20 - 1 19, C19, राइट, विच इज नथिंग बट 49C19, 49C19, दिस शुड बी द आंसर, विच इज क्लियरली द ए ऑप्शन। सो ए वॉज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस इक्वेशन को बेसिकली कैसे सॉल्व करना होता है ये आपको आना चाहिए, है ना। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीके, इसमें पहले अगर होल नंबर्स होते हैं तो n + r - 1, C r - 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेरिवेशन वगैरह आई होप सबको आती होगी, है ना, जस्ट वो फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट था ना, फंक्शन प्लस कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन था, हल्का सा आपको ऑन टू फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, हल्का से जो बैगर पॉइंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता थी तो ये क्वेश्चन बड़े इजिली हो गया। तो मतलब ISI में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, एज यू कैन सी 2020 का क्वेश्चन है यार ये, प्रीवियस ईयर, है ना, बड़े ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहूंगा, जिनका PMC ठीक ठाक है उनको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें 4x4 का चेस बोर्ड दिए हुए एंड आस्क टू फिल इट विद 5 3x1 पीसेस, मतलब 3x1 पीसेस कुछ ऐसे हो गए, ना, दे कैन बी हॉरिजॉन्टल और दे कैन बी वर्टिकल, 5 पीसेस अवेलेबल है, मतलब उससे हम 15 बॉक्सेस कवर कर सकते हैं या 15 स्क्वायर्स कवर कर सकते हैं। टोटल 4x4 में कितने 16 स्क्वायर्स, छोटे छोटे 16 स्क्वायर्स हैं, राइट, एंड 1 1x1 पीस, तो 5 तो ऐसे ब्लॉक्स अवेलेबल है अपने पास, ठीक है, एंड एक 1x1 का ब्लॉक अवेलेबल है। अब पूछ रहे हैं देन ओवर ऑल सच फिलिंग्स, इसको जैसे मर्जी आप फिल करो, ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द 1x1 पीस। ठीक है, तो जो 1x1 वाला पीस होगा वो कहाँ कहाँ पर आएगा या कहाँ कहाँ आ सकता है वो हमसे पूछा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक 3x3 का पीस यहाँ डाल दिया, ठीक है, और एक 3x3 का पीस यहाँ डाल दिया, ठीक है, एक 3x3 का पीस यहाँ डाल दिया, सॉरी 1x3 का, एक 1x3 का पीस यहाँ डाल दिया, एक 1x3 का पीस डाल दिया यहाँ पे, तो 5 1x3 के पीसेस हमने कवर अप कर दिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा 1x1 का पीस आ जाएगा, दिस कैन बी वन ऑफ द लोकेशन। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है स्क्वायर, है ना, तो इसको मैं रोटेट कराकर ये खाली वाला स्क्वायर 2 पर भी लेकर आ सकता हूँ, 1x1 वाला, इसको फर्दर रोटेट कराकर मैं 1x1 यहाँ पर भी लेकर आ सकता हूँ, यहाँ पर भी ले करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे इस पर लेकर आना है, 1 पर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँ, मैं लेट से हाउ आई विल मेक इट, मैं एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख, ठीक है, ये 5 1x3 के बॉक्सेस कवर कर दिए, तो आई विल बी लेफ्ट विद दिस स्क्वायर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये चार पोजीशंस तो हमने बना ली जहां पर 1x1 का स्क्वायर आ सकता है, राइट, ये कौन सी पोजीशन है, जैसे इसमें नंबर इफेक्ट शो किया हुआ है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, या फिर यहां पर, ये चार पोजीशन पर तो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या इन चारों के अलावा भी हम कहीं पर और डाल सकते हैं। देखो अब यहां पर ये थोड़ा सा कैच था यहां पे, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने हिट एंड ट्रायल से किया, हिट एंड ट्रायल से मतलब जैसे अभी हमने किया कि देखा कि क्या कॉर्नर्स वाले स्क्वायर पे 1x1 आ सकते हैं, वो हमने कर दिया, है ना, तो चार स्क्वायर तो ये हो, मतलब ठीक है। अब क्या और किसी पोजीशन पर आ सकते हैं, और किसी पोजीशन पर 1x1 का पीस आने का मतलब है बाकी ये चारों कॉर्नर्स ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, तो हम पहले इन चारों को ऑक्यूपाई कराने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट को मैं ऑक्यूपाई कराता हूँ यहाँ पे, या तो 1x3 का मुझे हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ेगा या फिर वर्टिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल चीजें, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया, अब 2 को कवर कराने का एक ही तरीका मुझे ये वर्टिकल लगाना, अब सिमिलरली 3 को कवर कराने का एक ही तरीका मुझे एक 1x3 का पीस हॉरिजॉन्टल लगाना, 4 को कवर कराने के लिए मुझे 1x3 का पीस हॉरिजॉन्टल लगाना। अब मैंने 4 तो 1x3 के पीस लगा दिए, मतलब टोटल कितने स्क्वायर्स कवर अप कर दिए, 12, कितने स्क्वायर्स बच गए, 4 स्क्वायर्स बच गए, एज वी कैन सी द सेंट्रल 4 स्क्वायर्स है ना ये वाले, जिनमें से एक तो 1x1 का कवर करेगा और एक 1x3 का,
अब क्लियरली जैसा कि आप देख सकते हो एक 2/2 के स्क्वायर को हम 1/3 इसमें नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो सेंटर में हम 1/3 नहीं डाल सकते क्योंकि तो वो डालेंगे तो वो एल शेप का बन जाएगा, राइट। तो सिंस ऐसे ब्रेकेज तो अलाउड नहीं है, हम इन पीसेस को ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो व्हाट वी कैन से प्रैक्टिकली, अब फर्दर वी कैन कंक्लूड कि भैया ये 1/3 का पीस इसमें नहीं डल पाएगा। दैट मींस कॉर्नर्स को अगर मैं फिलअप करता हूँ तो मैं किसी और स्क्वायर में 1/1 का पीस नहीं डाल पाऊंगा, और इनफेक्ट मैं ऐसी कॉन्फिगरेशन ही नहीं बना पाएंगे जिससे हम 1/1 का पीस डाल पाए अलॉन्ग विद 5 1/3 पीसेस, ठीक है। तो कितनी जगह पर 1/1 का पीस आ सकता है? 4 जगह पर आ सकता है, ठीक है। दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, और ये मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था यार। इवन इफ आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ भी नहीं आता, लॉजिकल क्वेश्चन था। एक 6th 7th क्लास का बच्चा बड़े इजिली इस क्वेश्चन को कर सकता है, अगेन इसी तरीके से जैसे हमने किया था ना। अभी इसमें हमने कोई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ना लगाया, हमने टाइलिंग करके देखी है बस, दैट्स इट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था 2020 का, ये 2019 का, आप देख सकते हो इजी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर अगर आप लोगों का जेई मेंस बहुत अच्छा नहीं गया जैसा आपने सोचा था, और अगर आपका मैथ्स फिर भी ठीक है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो भैया ISI की तरफ जाना चाहिए आपको। बहुत अच्छा कॉलेज है ISI एंड CMI। एक का ISI का एग्जाम 12th मई को है अभी, है ना, एंड CMI का 19th मई को है, अभी रिसेंटली डेट आई है। तो भाई दिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं कंसिडर सीक्वेंस ऑफ 10 A's एंड 8 B's प्लेस्ड इन अ रो बाय अ रन, वी मीन वन और मोर लेटर्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस साइड बाय साइड, ओके। हियर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 10 A's एंड 8 B's व्हिच कंटेन्स 4 runs ऑफ ए एंड 4 runs ऑफ बी। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि भाई 10 A है और 8 B है, इतना तो समझ में आ रहा है, उनको एक रो में रखते हैं ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे कि ये जो गिवन अरेंजमेंट इसने दी हुई थी, इसमें 4 runs ऑफ ए है एंड 4 runs ऑफ बी है। अब इसका मतलब समझते हैं। अब रन ऑफ ए का मतलब यहाँ पर इसने डिफाइन भी किया, बाय रन वी मीन वन और मोर लेटर्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस साइड बाय साइड। मतलब यहाँ पर देखो ए कितनी उसमें आ रहा है, जैसे एक बार यहाँ पर ए आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर एक बार यहाँ पर ए आया, फिर यहाँ पर ए आ रहा है, फिर यहाँ पर ए आ रहा है, तो ये 4 बार आ रहा है, ये 4 runs है ए के, है ना। एज इन मतलब जैसे पहले ए का कुछ भी पैटर्न आया, अब उसमें एक एक बार में कितने भी एज आ सकते हैं उसको एक रन काउंट होगा। फिर अगर ब्रेक हुआ, फिर जब दूसरी बार स्टार्ट हो रहा है, चाहे वन उसमें एक ही बार ए आया या 10 बार आया, उसको एक रन काउंट किया जाएगा। ऐसे बी 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 के अगर हम रन देखना चाहें, बी के रन क्या क्या बनते हैं, एक तो यहाँ पर बी आ रहा है, हाँ फर्स्ट रन, फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में आया सेकेंड, फिर यहाँ सिंगल आ गया थर्ड, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 runs ऑफ ए है, 4 runs ऑफ बी है। अब आई होप क्वेश्चन का मतलब हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा, राइट। अब क्वेश्चन पूछ के रहे इन हाउ मेनी वेज कैन 10 A's एंड 8 B's बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट देयर आर 4 runs ऑफ ए एंड 4 runs ऑफ बी। यानी 4 बार ए आना चाहिए ब्रेक्स के साथ, है ना, एंड 4 runs ऑफ बी होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ना एग्जैक्टली यही चीज लगेगी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, बैगर कॉइन मेथड और स्टार्स एंड बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, 4 runs ऑफ ए, मान लो फर्स्ट रन में कुछ एक्स ए आए, सेकंड रन में मान लो कुछ वाई ए आए, थर्ड रन में मान लो जेड ए आए, फोर्थ रन में मान लो डब्ल्यू ए आए, क्या इन सब का सम 10 होना चाहिए? दैट्स इट, है ना, मेक सेंस। और ऑब्वियसली हर रन में एटलीस्ट एक ए तो आना चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये नेचुरल नंबर होने चाहिए? अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते होते थे, पहले एक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू को एक एक दे दिया, है ना, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू डैश। अब ये कितने बन जाएंगे, 10 - 4 6। अब सच दैट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड डब्ल्यू डैश ये अब बन जाते हैं होल नंबर्स, मतलब ये 0 भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने एटलीस्ट एक सबको दे दिया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता था, है ना, जब वैल्यू 0 हो सकते हैं तो दिस इज 6 + 4 - 1 एन +4 - 1 एन +r - 1 सी r - 1, राइट, विच इज नथिंग बट ये कितना बनता है 9C3, राइट। 9C3 को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या इन्होंने बीच में अपॉन लगाया हुआ है, ये अपॉन गलत है बोल दो, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज दिस, है ना, आप 9C3 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं वाई के रन पे जाता हूँ, मान लो बी के रन पर जाते हैं, बी के भी 4 रन है, फर्स्ट रन में मान लो एम आ रहे हैं बी, सेकेंड में एन आ रहे हैं,
थर्ड में पी आर है एंड देन क्यू आर है. अब इन सबका सम कितना होना चाहिए, टोटल बीस जितने अवेलेबल थे दैट बार एक. सिमिलरली एक 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 दिया तो ये बन जाएगा फोर प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन विच इज नथिंग बट सेवन सी थ्री. अब नाउ द पॉइंट इज ये तो चलो ठीक है अरेंजमेंट है बट स्टार्ट हम ए के रन से भी कर सकते हैं, हम बी से भी स्टार्ट. तो अपने पास एक्चुअली फर्दर दो मोर ऑप्शन है. We can either go for from A, we can either start from A or we can start from B. So final answer should be 2 times this thing 9c3 or you can say this thing and 7c3. 7c3 ko ek aur tarika, acha mere piche chup rahe hai. Okay. So 7c3 ko apan yahan likh dete hain. 7c3 ko likhne ka ek aur tarika hai ye. But yahan pe upon nahi aata, ye isne na question mein galat likhe hue hain, ye upon nahi aata option mein, right? So correct answer will be A. क्वेश्चन को समझो, समझ में आ गया तो फिर बहुत ईजी है क्वेश्चन. कोई भी नई चीज नहीं लग रही है ना, लॉजिकल सा क्वेश्चन है. जैसे अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब अगेन ये भी ISI UGI 2019 का क्वेश्चन है. अब दिखने में खतरनाक सा क्वेश्चन लगता है कि भैया ये क्या लिखा हो इतना बड़ा, बट हौसला रख के थोड़ा सा पढ़ोगे Easy है question, easily आपको दिख जाएगा कि क्या question में हो रहा है. देखो question क्या कह रहा था, particle is allowed to move in the xy plane by selecting any one of the two jumps. दो type के jump available है, उनमें से किसी भी एक type को select करके वो move कर सकते हैं. पहला क्या कह रहा है, move 2 units to the right and 1 unit up. मतलब 2 unit गया right और 1 unit up. ठीक है, मतलब अगर वो a कोमा b पर है तो a plus 2 कोमा b plus 1 पर चला जाएगा. सेकेंड कह रहे हैं कि मूव 2 units अप एंड 1 unit राइट. मतलब पहले 2 unit अप फिर 1 unit राइट. मतलब ए कोमा बी पर है तो ए प्लस 1 कोमा b+2 पर चल जाएगा. फर्दर कह रहे हैं कि पी एंड क्यू ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 30.63 और एक पॉइंट है 100.100. नाउ इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन देन पी इज रीचेबल बट नॉट क्यू, क्यू इज रीचेबल बट नॉट पी. मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप ओरिजिन पे स्टार्ट कर रहे हो तो P और Q में से कौन कौन से पॉइंट रीचेबल है, मतलब आप कहां कहां पर पहुंच सकते हैं, वो बंदा कहां पर पहुंच सकता है P ओरिजिन पे स्टार्ट करके. देखो P की एक्सप्लेनेशन तो बड़ी सिंपल है. P में P पॉइंट का मतलब क्या, लेट्स से ये ओरिजिन था, P पॉइंट का मतलब है 30 यूनिट्स इधर और 63 यूनिट्स इधर, है ना. तो ये कुछ पॉइंट हुआ 30, 63. देखो बंदा अगर इस तरीके से भी चलता है कि सॉरी इस तरीके नीचे वाले जंप ले रहा है हमेशा, ऊपर वाले जंप में क्या है, फर्स्ट जंप में क्या है कि वो राइट साइड ज्यादा जा रहा है अप साइड कम जा रहा है. नीचे वाले में क्या है, अप ज्यादा जा रहे और राइट कम जा रहा है ना. राइट एक ही यूनिट जा रहा है, अप 2 यूनिट जा रहा है. अब हमारा जो 30.63 है उसमें वर्टिकल डिस्टेंस 63 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 है. मान लो मैं सारे जंप वही ले रहा हूँ जिसमें कि मैं अप ज्यादा जा रहा हूँ, ठीक है. तो आफ्टर 30 जंप्स अगर मैं ये ले भी पाता हूँ, आफ्टर 30 जंप्स में 30 यूनिट्स राइट होगा एंड 60 यूनिट्स अप होगा, ठीक है. तो अगर मैं सारे के सारे वो वाले जंप ले रहा हूँ जिसमें मुझे अप ज्यादा जाया जा रहा है, मतलब सेकंड टाइप के जंप ले रहा हूँ, तब भी मैं 30 पॉइंट पर पहुंच के मैक्सिमम 60 यूनिट्स ही अपसाइड होगा. बट मुझे जाना कहाँ है, 63 तक. तो 63 तक जाने के लिए मेरा फिर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वो 30 से बढ़ जाएगा. मतलब पी पॉइंट तो डेफिनेटली रीचेबल नहीं है, ठीक है. क्यू पॉइंट का मतलब क्या है, क्यू पॉइंट कह रहे हैं कि भैया आपको 100.100 में आना है, यानी आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मैच होना चाहिए. अब हम इनिशियली भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मैच था क्योंकि हम 0.0 से स्टार्ट कर रहे थे. तो जितने फर्स्ट टाइप के जंप्स होंगे उतना ही नंबर सेकेंड टाइप का जंप्स का लेना, यानी एक्स मान लो ये जंप्स हैं तो एक्स नंबर ही ये लेना होगा, तभी इनका सम बराबर हो पाएगा, ठीक है. तभी ये बेसिकली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच पाएंगे जिसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम है ना, कुछ में भी m कोमा m टाइप के पॉइंट पर. अब वो m हमारा 100.100, लेट्स सी हम पहुंच पाते हैं यानी, ठीक है. तो फर्स्ट में क्या है, हम 2 units राइट जा रहे हैं. अब x जंप लिए अगर, यानी मतलब 2x यूनिट राइट हो गई, और अब कितना जा रहे हैं हम, 1 unit x. सेकंड में क्या है कि हम 2 units आ पाए, यानी 2x यूनिट इधर और x यूनिट इधर. तो इन टोटल हम 3x, 3x पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है. दैट मींस हम हमेशा सिर्फ एक ऐसे पॉइंट पर ही पहुंच सकते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब हम 3.3 पर पहुंच सकते हैं, हम 6.6 पर पहुंच सकते हैं,
हम 30, 30 पर पहुंच सकते हैं जिनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, बेसिकली वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या आपका 100 3 से डिविजिबल है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। दैट मीन्स हम इस पॉइंट पर भी नहीं पहुंच सकते, मतलब नाइदर पी नॉर क्यू, इन दोनों में से कोई भी रीचेबल नहीं है, दे बोथ आर नॉट रीचेबल। ठीक है, तो मेरे ख्याल में से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। तो यार देखो, इस सेशन का पर्पज यही है कि पहली बात तो लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम सब कुछ होता है, तो जिनका जेई मेंस अच्छा नहीं हुआ, पेशेंटली यार पहले तो अपने, अगर आप अभी 12th में बोर्ड्स पे ध्यान दो ना, बोर्ड्स अच्छे से करो, एंड देर इज अनदर एग्जाम। पहली बात तो जेई मेंस के लिए भी आपको, आपके पास एक और अटेम्प्ट है ना, एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। देर आर ISI, देर इज ISI, देर इज CMI, है ना, ये दोनों एग्जाम्स हैं, दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जेई मेंस के बहुत कॉलेजेस से बहुत बेटर कॉलेजेस। प्लस पॉइंट है कि इसमें सिर्फ आपको एक सिंगल सब्जेक्ट तैयार करना, वो भी जेई मेंस और जेई एडवांस वाला ही सिलेबस है उसका, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट हाँ सिर्फ मैथ्स है ना। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन है, आज मैंने कॉम्बिनेटोरिक्स उठाया, जल्दी मैं अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ये सारे आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वैसे हमारा ISI का रिजल्ट था लास्ट ईयर का, तो 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो ISI कोलकाता में गए थे, राइट, एंड 11 स्टूडेंट्स ISI बैंगलोर में गए थे। अराउंड 26 स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज के लिए हमने ट्रेन किया था। ISI में बेसिकली एक इंटरव्यू भी होता है, 3 स्टेजेस होते हैं, UGA, UGB, UGA, UGB एक ही दिन होता है पेपर ना, एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू होता है। तो 26 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया था, 23 बच्चों का ISI की मेरिट लिस्ट में आया था, राइट। सो दीज आर फ्यू स्टूडेंट जो ISI कोलकाता और बैंगलोर में गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये CMI का रिजल्ट रहा था यार, ठीक है, CMI में भी काफी अच्छी खासी सिलेक्शन हुई थी। तो भाई देखो, अभी अगेन ISI का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसकी डेट है 12th of May। हमने एक बैच स्टार्ट कर दिया था 2nd Feb से, ये बैच आपके स्कूल के एग्जाम्स के साथ, बोर्ड के एग्जाम के साथ नहीं क्लैश कर रहा, ठीक है। जो बच्चे 13 में बेसिकली जो 12th पास कर गए हैं और जो ISI में अपीयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेस्ट बच्चों के लिए कुछ लेक्चर्स डेफिनेटली अभी मिस आउट हो गए हैं, बट यस ऑल यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोस सेशन, राइट। तो ये ISI 2024 के लिए लास्ट माइल है, लास्ट कोर्स है हमारा, है ना, एंड दीज आर सम प्रीरिक्विजिट फॉर द कोर्स। ऑब्वियसली आपको 11th और 12th का एनसीईआरटी टाइप्स की चीजें आनी चाहिए, डिटेल्ड कवरेज होगी UGBA की, 10 UGBA के डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, 10 लेक्चर्स हैं स्पेसिफिकली फॉर UGBA प्रिपरेशन, राइट। थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली असाइनमेंट्स आपको मिलेगा, CMI का ऑब्वियसली प्रिपरेशन रहेगा। अगर आपका जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है बट मैथ्स वीक है, तो ऑब्वियसली मैथ्स यहाँ पर आपका पूरा कवर हो जाएगा जेई मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वालिफाइड स्टूडेंट का ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, राइट। कैसे एनरोल करना है भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुंचे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो बच्चे और भी जो ISI जेई के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी, राइट। तो एंड इन फैक्ट जो बच्चे अभी 9th 10th 11th में है, जो ISI के लिए टारगेट कर रहे हैं, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। बड़े रिसेंटली हम 11th 9th 10th 11th के लिए भी ISI के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से, है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वेदांत ओलम्पियाड स्कूल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। ऑल राइट, एंडिंग द सेशन, नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर से एक टॉपिक लेकर आएंगे इसी टाइप का, एंड टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।